जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेठ आफ्ताब एडवोकेट साहब। आइए उनसे जानते हैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में, उनके क्या ख्याल हैं। जी आफ्ताब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम अपनी रहमानी बरादरी की मोहब्बत में और इस ट्रस्ट के अच्छे काम की मोहब्बत में और इस अच्छे काम को देखते हुए इसमें शामिल हुए हैं और हम रहमानी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के वर्कर के तौर पे अपनी तहसील नौशहरा वरिका में काम कर रहे हैं, जिसमें हमने आप तहसील नौशहरा वरिका में किस हैसियत से काम कर रहे हैं? वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप जो है वो जो है एक यंग जो जनरेशन है रहमानी बरादरी की, उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये सच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने रहमानी वकला का एक बाकायदा ग्रुप बना लिया है और उसमें हमने एक सेक्रेटरी का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है और पिछले साल 2023 में हमारे मेरे कज़न ही हैं, छोटे भाई भी हैं, वो बिला मुकाबला जॉइंट सेक्रेटरी नौशहरा वरिका बार भी मुंतखब हुए हैं और इस साल हम सदर नौशहरा बार का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। आप यूथ विंग के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? यूथ विंग के हवाले से हमारी यंग जो वकला हैं उन सबको इकट्ठा किया है और जो लड़के मुलाजमीन हैं हमारे बरादरी, उन सबको एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा करके उनके साथ रबते में हैं और जिस भी हमारे तहसील के भाई को कोई मसला होता है, कोई काम होता है, हम उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं और काफ़ी सारी मसाइल हम हल कर लेते हैं और बाकी जो भी होता है हमारे हम सारी कोशिश। ये आज रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो आज हवेली लखा में कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें आप भी शरीक हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद हमें जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अपनी रहमानी बरादरी को प्रमोट करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनको गाइड किया जाए कि आपने किस तरह एक दूसरे के काम आना है, मोहब्बत में इजाफा किस तरह करना है और नए लोगों को अपने साथ इंगेज कैसे करना है और इस ट्रस्ट को, इस बरादरी को ऊपर लेके कैसे जाना है। उसके लिए यहाँ पे हमें रहन भाई भी मिलेगी और सीखने का मौका मिलेगा, वो हम सीखेंगे और उस पर जाके अमल करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया।